ग्रेट रूलर एपिसोड 4। तो इस एपिसोड में बेसिकली मू चेन का एक पावर अप देखने मिलता है जिसके बारे में एंड में डिस्कस होगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर से चेकआउट करना। तो एपिसोड के शुरू में मू चेन किनर से कहता है जल्दी चलो और उसे कहीं ले जा रहे थे। तो किनर रिएक्ट करते हैं भाई इतने सुबह सुबह मैजिक रूम में मुझे क्यों ही ले जा रहा है तू। तभी रूम के अंदर जाके मू चेन उसे कहता है कि 2 महीने पहले वो मास्टर मू को फॉलो किया जहाँ उसे एक इंटरेस्टिंग फार्स दिखा जिसे वो प्रैक्टिस करना चाहता था, बट मास्टर ने बोला ये स्पिरिचुअल फॉर्मूला सिर्फ पुराने स्टूडेंट जो हेवन में पहुंच गया उसके लिए है और वो उसे नहीं यूज कर सकते हैं। और मू चेन कहता है कि ना जाने मैं कब ओल्ड होऊंगा और कब इल होऊंगा, तुम उसे मेरे लिए लेके आना। तभी किनर पूछते हैं क्या मैजिक फॉर्मूला ढूंढ रहे हो। तभी दोनों एक शेल्फ के वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ मू चेन कहता है कि चलो मिल गया, और किनर को वो दिखाती है जिसके देख के वो शॉक में रहती है और कहती है ये बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल फॉर्मूला सैनलियो डेड सील है और उसे पहले 2 स्टूडेंट यूज किया जो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया वो भी कहते हैं। जिसे सुनकर मू चेन कहते हैं हाँ मुझे पता है उस बारे में, और कहते हैं कि इसके लिए स्पिरिचुअल आर्ट प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए जो कि उनके पास शायद नहीं होंगे इसलिए ऐसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे पास है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तभी किनर एकदम नहीं कहती है और मू चेन पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। तभी रेड रियल की वो हॉट सी लड़की वहाँ आती है और दोनों से मिलते हैं और वो मू चेन की मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन तभी किनर जेलस होती है और वो खुद ही बोलते हैं कि मैं ही करूँगा होंगे सेनेपाई को ना कहते हैं, और मू चेन को भी उसको कहती कि मेरे लिए किनर भी करेगा। तभी मू चेन दोनों एग्री होते हैं और कहते कि हेंग्यो सेनेपाई वहाँ से चले जाते। तभी किनर कहती कि रेड रियल के बारे में लूरियम एंड मुंबई के बहुत ही करीब है और ऐसे वो मू चेन से कहती है। तभी किनर मू चेन को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देती है कि तुम सिर्फ मेरे निगरानी पे ही ये मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड मू चेन भी उससे एग्री करती है। एंड तभी किनर मू चेन को बीच स्पिरिट बीस्ट मारने को कंपटीशन के बारे में डिस्कस होते हैं जहाँ मू चेन को किनर सारे चीज़ें समझा देते हैं एंड टीम अप के बारे में कहती है, और बेसिकली उनके टीम अप तो हो गया आप समझ ही लो, एंड आगे हमें एक टीम अप तो देखने मिलेगा फॉर श्योर, एंड जो कि किनर के बातों से पता लग ही गया। एंड किनर कहती है जो टॉप 3 टीम है उनको यूनलिंग पील मिलेगा, जिसे सुन के मू चेन कहते कि उसे यूज़ करके तो लेट स्टेज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते, और उसे सुन के किनर कहती कि हाँ बट कंपटीशन में सारे ही बहुत आला लेवल के होंगे तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा। जिसे रिप्लाई मू चेन कहती है कि सिस मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा प्रॉमिस, और हम पील को लेके आएंगे। उसके बाद बाहर आते हैं और मू चेन एक्साइटेड होते हैं फॉर्मूला देखने के लिए, लेकिन किनर कहती है तुम बस मेरे निगरानी पर ये कर सकते हो, एंड किनर एक सेफ प्लेस सोचते हैं जहाँ एक वाइब अच्छा हो ऐसे कहती है। तभी किनर उसे एक जगह लेके जाते है एंड उसे जागा के स्प्रिट देख के मू चेन कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग हेवन एंड अर्थ स्प्रिट। तभी किनर उस जगह के बारे में बोलती है कि ये जगह हमारे बेलिंग एकेडमी की ट्रेनिंग सेंटर है और यह बस हेवनली स्टूडेंट ही एंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किनर, और कहती है कि इसको बनाने में बहुत ही कॉस्ट पड़ा है और कैसे बाहर से मास्टर लाया गया सारे चीजें उसे बना बोल दिया कि 5 ग्रेट कंट्री आर्ट से मास्टर लाए के इसे बनाया गया, और कहते कि यह पूरे बेलिंग रियल में सिर्फ एक ही है, और कहती है यह बहुत ही तेज काम होते हैं और खतरा भी कम है, और उसे अंदर ले जाते हैं कोर एरिया में जहाँ स्प्रिट सबसे अच्छे है। तभी हमें देखने मिलता है वहाँ कोर एरिया में और भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहाँ उनसे बात होते हैं और मू चेन को लेकर भी बात होते हैं, और कोई कहते हैं कि क्विनर के साथ ये लड़का कौन है। तभी एक लड़का बोलते हैं कि इसने तो लियू यांग को हराया था और वो हेवन में पहुंच गया। एक लड़का कहता है कि ये इस वर्ल्ड में नंबर 1 है क्योंकि उसने लियू यांग को हराया। तभी एक लड़का जो प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर रहा है वो उसे कुछ बोलते हैं, क्विनर से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। तभी क्विनर उसे बोलते हैं कि इसको प्रोवोक मत करो, इसका 18 साल हो गया
गया लेकिन ये पावरफुल है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं करते हैं, देख रहे हो तुम ये कैसे प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, ऐसे उसको बताते हैं और वो काइंड ऑफ उससे नाखुश भी होते हैं। लेकिन तभी मूचन होते तो बोलते हैं कि इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करके हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तभी वो क्विनर उसको सौंप देते हैं और मूचन भी अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। लेकिन तभी क्विनर उसे पूछते हैं कि कैसे फील हो रहा है, तभी मूचन कहते हैं कि मुश्किल तो है क्योंकि ये डेंजरस है और उसको समझने में भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो बोलते हैं, फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। तभी वो फिर से शुरू करते हैं एंड सारे हेवन एंड अर्थ के ऑरा उसके अंदर समाने लगते हैं जिसे सबके फाटते हैं और डिस्कस करते हैं ये किट क्या ही कर रहा है, सारे ऑरा ऐसे कैसे ही जा रहे हैं, वो भी हेवन एंड अर्थ की। तभी क्विनर टेंशन में आती है और उसे जगाने चाहती है बट ऑरा उसे छूने नहीं देते हैं। तो मूचन भी रिएक्ट करते हैं, अचानक इसके एनर्जी बढ़ कैसे गया और ऑरा उसे मार्च होने लगते हैं जो देखने में बहुत ही हॉरर था। तभी कोई उसके मजाक बनाते हैं तो कोई कहता है मूचन कर पाएगा, तो कोई बोलता है मास्टर को बुलाया जाए एंड क्विनर भी उसके टेंशन करती है। लेकिन तभी मूचन हार नहीं मानते हैं एंड ग्रेट बुद्ध आर्ट से वो स्थिति को नॉर्मल बनाते हैं। तभी क्विनर उसे पूछते हैं तुम ठीक हो क्या, तभी मुस्कुरा के वो उसके हाथ में उसके ऑरा दिखाता है। तभी क्विनर बोलते हैं कि तुमने कर लिया, तभी वो बोलता है टेम्प में तो कर लिया, बस ये नॉर्मली टेम्पररी भी हो सकते हैं। और वो जगह को थैंक्स बोलते हैं, मतलब स्प्रिट गैदरिंग है रही उनकी। तभी आसपास वो देखते हैं और कहता है कि इतना कम एनर्जी क्यों। तभी ल्यूटोंग मूचन से कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कोर एरिया में आने के लिए, और कहते तुम अभी अभी हेवन में पहुंचे हो। तभी क्विनर उसके डिफेंस में आती है और ल्यूटोंग से बोलता है कि तुम्हें भी मालूम है रूल के बारे में कि न्यू कॉमर यहाँ नहीं आ सकते हैं। तभी क्विनर भी उसे याद दिलाता है तुम भी न्यू कॉमर को बोली नहीं कर सकते हो एंड ल्यूटोंग फिर से बहस करने ट्राई करते हैं और उसे फाइट चैलेंज करते हैं। बट क्विनर मूचन से कहते हैं कि चलो इन जैसों के मुंह लगना नहीं चाहिए। तभी क्विनर मूचन जाने लगते हैं बट वो फिर से सामने आके उन्हें प्रोवोक करने लगते हैं, खासकर मूचन को। तभी क्विनर गुस्से से उस पर पीटने चाहते हैं पर मूचन उसे रोक के कहता है कि मैं शो अप तो करना नहीं चाहता बट न्यू पावर को प्रैक्टिस किया और रिस्पेक्ट के साथ, मतलब जो ल्यूटोंग है उस सीनियर को बोल के उसको चैलेंज करते हैं। जहाँ क्विनर उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि उसके पावर भी कितना है, वो उसे समझाते हैं। तभी मूचन उसे बोलता है कि टेंशन मत करो सिस। तभी जो बाकी के स्टूडेंट रहते हैं वो कहते हैं कि मूचन पागल तो नहीं हो गया और उससे जीतेगा। तभी जो बंदा पहले क्विनर से बात किया वो बोलता है कि बंदे में दम तो है। तभी फाइट शुरू होते हैं एंड दोनों में अच्छे खासे फाइट चलते हैं और मूचन उसके टक्कर दे रहे थे। तभी वो आके एक पावर को एक्टिव करके कहते हैं कि नो मैटर व्हाट मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, जिसे देख के क्विनर बोलते हैं कि डालो सॉर्ड आर्ट और मूचन को केयरफुल रहने कहते हैं। तभी बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बजते हैं, अगर कॉपीराइट का इशू नहीं हुआ तो एडिटर थोड़ा डाल भी देगा, आप सुन लो। अगर ये बचते हैं तो समझ लेना मूचन जीत जाएगा चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। और वो सुनने में काफ़ी बैडस लग रहा था और मूचन अपना न्यू पावर को एक्टिव करते हैं जिससे भाई सब खुश होते हैं एंड भाई मूचन एक ही बार में उसका वो शॉट तोड़ देते हैं एंड फाइट को एक फ्रेंडली मैच की तरह इन करके उसे सीनियर जैसा रिस्पेक्ट अभी भी देते हैं हालांकि उसने इतना कुछ किया। तभी दो स्टूडेंट मूचन के पावर अप से काफ़ी खुश नज़र आते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं कि मूचन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी इस पावर से तो वो मुंबई यानी ल्यूरियम के मुंबई को भी टक्कर दे सकते हैं और आगे का हमें कुछ आगाज मतलब कुछ जानकारी देते हैं क्योंकि जो ल्यूरियम कोर्ट के मतलब लिहाज से उन दोनों में टक्कर हो सकते हैं और वो भी उन दोनों के माध्यम से हमें काइंड ऑफ बताया गया है। और तभी जो पहले लड़का जो मतलब क्विनर से काफ़ी डिस्कस करते हैं तो वो आके और वो मूचन से बात करके उसके टीम अप करना चाहते हैं बीस्ट के लिए, लेकिन मूचन कहते हैं कि मैंने क्विनर से ऑलरेडी कर लिया और हाँ हमें नेक्स्ट एपिसोड में शायद इस बीस्ट को ही लेकर कुछ देखने को मिले। तो ये एपिसोड तो यह ख़त्म होता है मतलब उस लड़के के मूचन को चकन लगाने से, लेकिन मूचन तो क्विनर से चले जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय आज के लिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।